हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जगत क्लासेस काकराबाद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेसन 4 द रेड ट्रैप से क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 से 5 तक मैंने आपको समझाया। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बता रहे हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट साउंड द पेडलर हैव इन टू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। व्हाट साउंड मतलब कैसा साउंड पेडलर यानी कि फेरी वाले ने, कौन सा साउंड सुना था इन टू द फॉरेस्ट जंगल में। व्हाट डिड ही डू देन तब उसने क्या किया, मतलब फेरी वाले ने जंगल में कैसा साउंड सुना, कौन सा साउंड सुना, फिर उसने क्या किया। द पेडलर हर्ड द साउंड ऑफ हार्ड रेगुलर थम्बिंग ऑफ हैमर फ्रॉम एन आयरन मिल। पेडलर यानी कि फेरी वाले ने हर्ड द साउंड ऑफ हार्ड रेगुलर थम्बिंग ऑफ हैमर मतलब फ्रॉम एन आयरन मिल, आयरन मिल से हथौड़े के कूटने की, लगातार बार बार हथौड़े की कूटने की जोरों की आवाज को फेरी वाले ने सुना। जब वह जंगल में बेहोश पड़ा था, जब उसको होश आया, होश आने पर उसने क्या सुना। इसमें बताया गया है कि इसके पिछले क्वेश्चंस में कि जंगल में वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो जब उसे होश आता है तो होश आने पर उसने जंगल में कौन सी आवाज सुनी और उसके बाद उसने क्या किया। तो फेरी वाले ने आयरन मिल से हथौड़े की जोर जोर से बार बार कूटने की आवाज को सुनता है यानी कि सुना, हर्ड। ही गोट अप वह उठा, एंड देन स्टेगर्ड और लड़खड़ाता हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड उस साउंड के डायरेक्शन में के लिए चल दिया फॉर शेल्टर आश्रय के लिए। बेहोशी के बाद जब वह उसकी आंख खुलती है तो उसने आयरन मिल से एक हथौड़े की जोर जोर बार बार जोर जोर से पिटने की आवाज को उसने सुना और फिर वह उठा और लड़खड़ाता हुआ उसी डायरेक्शन में चल दिया जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था आश्रय पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन वर्क क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट और उसके अंदर क्या हो रहा था। तो राम्स जो आयरन वर्क वाज अ लार्ज प्लांट, राम्स जो आयरन वर्क एक लार्ज प्लांट था यानी कि कारखाना, मिल, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में आयरन मिल यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं। तो एक ये लार्ज आयरन मिल का प्लांट था, कारखाना था, जिसमें जो है विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। फोर्ज का मतलब है ढलाई घर, रोलिंग मिल्स मतलब लोहे के पुर्जों को बनाने का काम, रोलिंग करने का काम होता था और पिघलाने का काम होता था। एक ऐसा प्लांट था जिसमें लोहे को पिघलाया जाता था, रोलिंग किया जाता था यानी कि सरिये बनाए जाते थे, और लिखा है ढलाई घर और उसमें ढलाई घर भी था। द मास्टर स्मिथ यानी कि जो मुख्य लोहार था मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर उसके सहयोगी सैट इन द डार्क फोर्ज, एक अंधकार पूर्ण उस ढलाई घर में बैठे हुए थे नियर द फर्नेस, भट्टी के नजदीक वेटिंग और इंतजार कर रहे थे, वेटिंग फॉर पिग आयरन्स, पिग आयरन्स मीन्स कच्चा लोहा, तो विच हैड बीन पुट जो रखा हुआ था इन द फायर आग में टू बी रेडी तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल। एनविल होता है लोहे का वो गुटका जिस पर लोहार अपना खुरपा बाका हसिया ये सब पीटता है यानी कि निहाई कह सकते हैं एक तरह से। तो इस आंसर में हम ये समझ सकते हैं कि राम्स जो आयरन मिल्क जो है वो एक आयरन मिल है, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें लोहे को पिघलाने का काम, रोलिंग करने का काम यानी कि सरिया बनाने का काम, और एक साथ में ढलाई घर भी था। मुख्य लोहार और उसके जो सहयोगी थे सभी, लोहार और मुख्य सहयोगी सभी के सभी कच्चे लोहे के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे और एक भट्टी के निकट बैठे हुए एक लोहे के पिघलने का इंतजार कर रहे थे कि कब लोहा तैयार हो और उसको कूटा पीटा जाए, मतलब लोहे के
पकने का इंतजार। मुख्य लोहार और उसके हेल्पर एक डार्क कोठरी में बैठे हुए भट्टी के नजदीक इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वेगाबॉन्ड। आयरन मास्टर यानी कि मिल का जो मालिक था, आयरन मिल्स का जो मालिक था, कहा गया है कि उसने कैसा रिएक्ट किया सीइंग ऑन द वेगाबॉन्ड, यानी कि रेड ट्रैप सेलर, वही वेगाबॉन्ड कहा गया है, फेरी वाला, चूहेदानी बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाले उस फेरी वाले को आयरन मास्टर ने जब देखा तो उसने कैसा रिएक्ट किया, इनसाइड हिज फोर्स, अपने ढलाई घर के अंदर। जब वह ढलाई घर के अंदर जाता है तो उसने जब उस वेगाबॉन्ड को देखा, फेरी वाले को देखा, तो उसने कैसा रिएक्ट किया ये पूछा जा रहा है। तो द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज अप टू द वेगाबॉन्ड। आयरन मास्टर चल करके उस वेगाबॉन्ड के नजदीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही नजदीकी से और सावधानी पूर्वक देखता है। देन तब टोर ऑफ, और खींचता है, टोर ऑफ का मतलब खींच लेना, क्या, हिज स्लाउच हैट, उसकी एक लंबी सी जो झुकी हुई कैप थी उसको खींच लेता है। वह उसकी झुकी हुई लंबी टोपी को खींचता है, टू गेट अ बेटर व्यू, एक अच्छे से उसको देखने के लिए उसकी जो लंबी सी वो टोपी पहने होता है उसको वो खींच लेता है, ऑफ हिज फेस, उसके फेस से। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वॉज हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, अर्थात उसने सोचा कि वह उसका कोई पुराना परिचित था, यह सोच करके उसने उसकी टोपी को उससे खींच लिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज होम, यानी कि हाउस, ठीक है, हाउस होम एक ही चीज होता है। तो वेगाबॉन्ड क्यों नहीं तैयार था उस आयरन मास्टर के घर जाने के लिए, क्यों नहीं तैयार था? फेरी वाला आयरन मास्टर यानी कि मिल मालिक के घर जाने के लिए क्यों तैयार न था? क्योंकि उसे डर लग रहा था ना, वो एक चोर था वेगाबॉन्ड, फेरी वाला छोटा मोटा चोर भी था। तो आइए आंसर में देखते हैं, द वेगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी टू गो विद आयरन मास्टर। वेगाबॉन्ड यानी कि फेरी वाला मिल मालिक के साथ जाने के लिए तैयार न था उसके घर, क्योंकि ही वॉज अ थीफ, क्योंकि वह एक चोर था, एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट, और उसे भय था पकड़े जाने का, अर्थात वह पकड़े जाने के भय के कारण आयरन मास्टर यानी कि मिल मालिक के घर उसके साथ जाने से वह डर रहा था, इसीलिए वह नहीं जाना चाहता था। आयरन मास्टर के घर जाने से वह इसलिए डर रहा था क्योंकि वह एक चोर था और उसे अपने पकड़े जाने का भय था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वॉट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। मिल मालिक ने फेरी वाले को अपने घर लाने के लिए क्या किया? द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर यानी कि मिल मालिक ने अपनी बेटी को भेजा टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड को लाने के लिए, टू हिज हाउस, अपने घर। मिल मालिक ने वेगाबॉन्ड यानी कि फेरी वाले को अपने घर लाने के लिए अपनी बेटी को भेजा, बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट वॉज, समझते थे यानी कि उन्होंने सोचा, सच एज, कि उनकी तुलना में, दैट सी वुड हैव बेटर पावर पर सुअसंस, मतलब समझाने की शक्ति कह सकते एक तरह से अधिक होना। उनका मानना था कि उनकी तुलना में उनकी बेटी के पास कहीं अधिक शक्ति है समझाने की, मनाने की, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। तो ये थे आपके 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस। अभी पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और हम आपको थर्ड पार्ट में इसके बचे हुए 6 क्वेश्चंस और बताएंगे। तो आप उनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद थर्ड वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपका प्यार हमारे पास पहुंचता रहेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे कि और हम मेहनत करें आपके लिए। अगर कोई कमी है तो आप हमें बताते रहें, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।